से गुड मॉर्निंग बच्चों से आज मैं आपको थर्ड क्लास का थर्ड लेसन मात्रा तालिका क्या लिखेंगे हम लोग हेडलाइंस पहले तीसरा लेसन का मात्रा तालिका मात्रा तालिका मीन स्वरों के मात्राएं। स्वरों के मात्राएं कौन सी रहती है आपको मालूम है स्वरों की मात्राएं कौन सी रहती है देखो ये स्वर है हमारे आ बाद में आ की मात्रा आ ई ई की मात्रा ई ऊ ऊ की मात्रा ऊ ए आई ओ औ अम और इधर लिखेंगे आहा। सो ये हमारी वर्णमाला है आ से आहा तक ये हमारी क्या है वर्णमाला पर ये वर्णमाला है आ से आहा तक की उसकी मात्राएं हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे मात्राएं देखो इधर आए आ के बाजू में मात्रा है नहीं है इसके लिए हम लोग सिंगल स्लीपिंग लाइन लिखा है इसको मात्रा नहीं है इसके लिए हम लोग सिंगल स्लीपिंग लाइन लिखे ये आ की मात्रा आ की मात्रा आ इधर मात्राएं दिखाई दे रही है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आ की मात्रा आ की मात्रा आ देखो इधर पहली ई दूसरी ई पहली की मात्रा किधर आनी चाहिए देखो पहली की मात्रा पहली आती है और दूसरी की मात्रा दूसरी साइड पर ओके पहली ई दूसरी ई पहला उ दूसरा उ देखो पहले उ की मात्रा कैसी आएगी हम लोग की ए साइड पर पहली उ की मात्रा एक किधर आएगी ये साइड पर और दूसरी उ की मात्रा आएगी नीचे दूसरी उ की मात्रा किधर आएगी नीचे उ देखो बाद में है रू रू की मात्रा ओनली सी रू की मात्रा ओनली क्या करेंगे हम लोग सी ए ए के ऊपर मात्रा दिखाई दे रही है हम लोग को नहीं पर हम लोग क्या करेंगे इधर एक मात्रा देंगे ए क्या बोलेंगे इसको ए इधर देखो ए के ऊपर मात्रा है कितनी मात्रा है ए के ऊपर एक मात्रा है हम लोग क्या करेंगे दो मात्रा देंगे क्या करेंगे उधर दो मात्रा देंगे क्या करेंगे दो मात्रा देंगे ओके देखो आ की मात्रा आ के ऊपर मात्रा ओ वैसे ही हम लोग आ की मात्रा आ के ऊपर मात्रा ओ बाद में दिया है औ वैसे ही मात्रा के ऊपर दो मात्रा है औ बाद में दिया है अम अम के ऊपर क्या है बिंदु अम के ऊपर क्या है बिंदु बिंदु को क्या करेंगे हम लोग वैसे ही उसका जो चिन्ह है वो ही लिखेंगे अम क्या करेंगे आ के ऊपर बिंदु अम आ के ऊपर साइड में दो बिंदु है कितने बिंदु है दो बिंदु दो बिंदु को क्या बोलते हैं आहा क्या बोलते हैं आहा ये हमारी मात्राएं है देखो इधर पहले फिर से ध्यान से देखिए हम लोग आ है आ को मात्रा नहीं है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ओनली स्लीपिंग लाइन देंगे ओके आ की मात्रा आ आ की मात्रा हम लोग इधर लिखेंगे ई ई की पहली मात्रा आएगी ओके सेकेंड ई की मात्रा दूसरी जगह पर आएगी ई की मात्रा ये साइड पर दूसरी की मात्रा ई ई ई ई ई पहला ओ दूसरा ओ देखो पहली ओ की मात्रा ये साइड पर आती है और सेकेंड ओ की मात्रा नीचे सेकेंड ओ की मात्रा क्या करेंगे हम लोग नीचे लिखेंगे बाद में रू रू की मात्रा इधर हम लोग क्या करेंगे सी लिखेंगे बाद में है इधर ए क्या है ये कौन सा लेटर है इसको बोलते हैं ए ए के ऊपर मात्रा नहीं है हम लोग क्या करेंगे एक मात्रा देंगे
इसको। सो एक मात्रा देने के बाद उसको क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए। सो ये है आई। सो आई के ऊपर एक मात्रा है, सो हम लोग क्या करेंगे, दो मात्रा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? आई। आई। सो ऊपर कितने मात्रा देंगे? दो मात्रा, सो उसको बोलते हैं आई। तो ये है ओ, इसको कौन सा लेटर बोलते हैं? ओ। सो वैसे ही आ, आ की मात्रा आ, आ के ऊपर मात्रा से ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओई से लिखेंगे। सो इधर देखो वैसे ही है, आ, आ की मात्रा आ, आ के ऊपर दो मात्रा से, दो मात्रा को बोलते हैं औ। क्या बोलते हैं? औ। सो वैसे ही हम लोग मात्रा देंगे और ऊपर दो मात्रा लिखेंगे औ। सो देखो ये आ है, आ के ऊपर बिंदु है, सो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? अम। क्या बोलेंगे? बिंदु को अम बोलेंगे। सो वैसे ही अम, और आहा को दो बिंदु है, सो इसको आहा के दो बिंदु आहा। सो ये हमारी मात्रा है। सो वैसे ही हम लोग बारह खड़ी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बारह खड़ी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बारह खड़ी? देखो इधर सिंगल है, सो हम इधर क्या करेंगे? ओनली का। सो इधर क्या है? आ की मात्रा है, सो का की मात्रा का। इधर क्या है? पहली की मात्रा की, सेकेंड की मात्रा की, फर्स्ट की मात्रा उ, सेकेंड की मात्रा उ, रू की मात्रा रू, ए की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अम की मात्रा कम, एंड आहा की मात्रा कहा। सो ये है हमारी बारह खड़ी। सो ये बारह खड़ी हम लोग आ के आ से आहा तक मात्राएं लिखेंगे। ये जो वर्णमाला है आ से आहा तक की, तो ये आ से आहा तक की हम लोग वर्णमाला की मात्राएं लिखेंगे। वैसे ही मात्रा हम लोग बारह खड़ी में भी, ध्यान से देखिए, जो ये आ से आहा तक को जितनी मात्राएं है उतनी मात्रा बारह खड़ी में भी है। सो वैसे ही हम लोग अभी क्या लिखेंगे? खा लेंगे। सो इधर देखो आ को मात्रा है नहीं, सो ओनली सिंगल खा, ओनली सिंगल खा। सो आ की मात्रा है, सो खा की मात्रा खा, फर्स्ट ई, खा की फर्स्ट की मात्रा खी, सेकेंड ई, खा की सेकेंड की मात्रा खी, फर्स्ट उ, खा की फर्स्ट की मात्रा खू, खा, खा की सेकेंड की मात्रा खू, खा, खा की रू की मात्रा क्रू, ए। सो देखो ए के ऊपर एक मात्रा है, सो उसको बोलेंगे खे। क्या बोलेंगे? खे। आई के ऊपर एक मात्रा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? दो मात्रा देंगे। खै, खै, ओ, खो, औ, खौ, अम, खम, आहा, कहा। सो ये है हमारी बारह खड़ी। जो हम लोग को मात्रा आएगी तो ऑटोमेटिक हम लोग को बारह खड़ी भी आएगी। सो हम लोग बारह खड़ी कैसे पढ़ते? देखो का, काकी मात्रा का, काकी फर्स्ट की मात्रा की, काकी सेकंड की मात्रा की, काकी फर्स्ट की मात्रा कु, काकी सेकंड की मात्रा कु, काकी रू की मात्रा क्रु, काकी ए की मात्रा के, काकी ऐ की मात्रा कई, काकी ओ की मात्रा को, काकी औ की मात्रा कव, काकी अम की मात्रा कम, काकी आह की मात्रा कहा, खा, खा की मात्रा खा, काकी फर्स्ट की मात्रा खी, काकी सेकंड की मात्रा खी, काकी फर्स्ट की मात्रा कु, काकी सेकंड की मात्रा कु, काकी रू की मात्रा क्रु, काकी ए की मात्रा खे, काकी ऐ की मात्रा खै, काकी ओ की मात्रा खो, काकी औ की मात्रा खौ, काकी अम की मात्रा खम, एंड काकी आहा की मात्रा कहा। जैसे आ का, आ का, की, की, ई, की,
वैसे ही देखो आ खा ई खी ई खी ऊ खु रु क्रु ए खे ऐ खै ओ खो औ खौ अं खं अहं कहां। तो ये हमारी 12 खड़ी है। तो जो आपका तीसरा लेसन है मात्रा की तालिका, तो ये उसको आ से अहा तक वर्णमाला की मात्राएं दी है और उसकी मात्राएं भी हम लोग ने लिखी है। और वैसे ही इसके जो आ से अहा तक की मात्राएं की उसकी 12 खड़ी भी हम लोग ने की है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपकी CW नोट्स पे लिखेंगे जो आपको दिया है वैसे ही चार्ट देखो इधर कैसे दिया है। सो देखो आ से अहा तक दिया है। सो ये दो पॉइंट जो चंद्र बिंदु आया है उसको अनुसिका बोलते हैं। सो अनुसिका आप मत लिखिए। सो इधर से वैसे ही देखो आ की कोई मात्रा नहीं होगी सिंगल। सो आ की मात्रा आ आकार का ई इकार की ई इकार उ उकार उ उकार रु रुकार ए एकार ऐ ऐकार ओ ओकार औ औकार अं अनुस्वार अहा विसर्ग। सो ये है आ की मात्राएं और 12 खड़ी। वैसे ही चार्ट आपने CW में भी वैसे ही HW में भी करेंगे। तो इसको देखने का है तो ये हम लोग उसको डिवाइड आ की आ से आ तक वर्णमाला और उसकी मात्राएं है और ये 12 खड़ी है। सो आप अपने स्लेट पर प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू।